वी आर बैक ऑन सैक्चीज मोड ऑन संडे. तो चलो आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं और न्यू ट्राई में हम कुछ कॉर्न चीज मेयोनीज वाले ट्राई करेंगे जो कि काफ़ी न्यू है और उसका मेन्यू भी काफ़ी न्यू है. सो लेट वी ट्राई एंड हम लोकेशन पहले डिस्क्राइब कर देते हैं. सो ये है बजाज नगर में नागपुर यस्टी कॉर्नर. आप गूगली सर्च कर सकते हैं, गूगली के जस्ट पैच में ये लोकेशन आएगा एंड तंजौर होटल उसके सामने में है. सो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. ओके ओके, आप मेयोनीज खुद ही बनाते हो? यस, एवरीथिंग इज मेड हियर, ओनली रॉ मटेरियल आई गेट फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो सब कुछ यहाँ पे इसी किचन में बनता है. इवेंचुअली मेयोनीज सॉस, हैरिसा सॉस, चेटिनार एंड उनके पास काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो अभी तक मैंने तो नहीं सुने नागपुर में. सो यू कैन ऑल्सो हैव सम डिफरेंट फ्लेवर्स. ये क्या डाल रहा है? चेटिनार. ओके, फ्रॉम लास्ट सितंबर ये कॉर्नर ओपन हो चुका है एंड ये कुछ डिफरेंट लग रहा है. तो ये थीम या आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे? Everything got mixed and you got a recipe you can show. Yeah, I like that a lot. In one exhibition I was selling in a different way. Now it's been modified more. Basic sauce. Okay. Filler of mostly fried balls of potato, paneer. Macaroni, okay. All these things, and cheese on top. Then it will be grilled, and then served with it's garnished with curly fry, potato fry. Okay, means first आपने उसको बेसिक सॉस के साथ फिल किया है और उसके बाद आप पैटिस डालेंगे जो कि आलू पनीर और मैक्रोनीज का फिल्ड अप रहता है. ओके, उसमें हम अपने फ्लेवर्स चूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग. एंड इसके साथ साथ अभी आप इसके ऊपर चीज ग्रिल करोगे एंड कर्ली पोटैटोस के साथ उसको वापस एक बार ग्रिल सर्व करेंगे. ओके, कर्ली फ्राइज फॉर दिस गार्निशिंग. ओके, वेजिटेबल्स फॉर विदेशी सॉसेस. ओके, ऑनियंस टोमेटोस फॉर देसी सॉसेस. Onion and chettinar sauce. Salad is also there. I had told it differently. Okay. Differently. Coriander और उन्होंने onion filling की है chettinar में. This is harissa. Okay, with harissa. Again petis gaya hai. फिर से sauce. Yeah, alternate layers of sauce. Okay. इसमें लेयर्स काफ़ी सारी है तो बाइट्स लेते लेते काफ़ी मज़ा आने वाला है. हम डे बाय डे आपके यहाँ पे पूरा क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है तो आप पूरा फ्रेश उसी टाइम पे बनाते हो? यस, सो एट अ पर्टिकुलर लेवल उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं होगा. जी, इतने छोटे जगह में बनाना. जी, तो इन्होंने काफ़ी सारे कस्टमर्स अभी मूव बैक किए हैं जस्ट बिकॉज उनके पास क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुका है. ओनली 4 कोन्स आर लेफ्ट एज यू कैन सी एंड वी आर लकी दैट वी आर हैविंग द लास्ट 5th एंड 6th कोन. यू कैन सी हाउ मच लेयर्स दे आर प्रिपेयरिंग. लाइक अगेन दे आर मेकिंग पैटिस, मेयोनीज सॉस, दे मेड चेटिनार एंड हरिसा सॉस अगेन. And finally, cheese is on the top, and ये अब grill होने जाएगा. Yes, अभी finally grill होने जा रहा है. You can see in the oven. It was
सो एवरी वन आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि इनका स्टॉल इतना ज़्यादा कैसे चल रहा है बिकॉज ये स्टार्ट तो फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स था राइट मैम. ये लास्ट सेप्टेम्बर ऑनवर्ड स्टार्ट था बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज अगर हम उनकी बात सुने तो उन्होंने एक भी कौन प्रिपेयर नहीं किया था. मे आई नो मैम ये क्रेडिट किसको जाता है? फाइनली आप कौन सा रेडी? मैम मेरा नाम साक्षी है. सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अ लॉट इन न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो लाइक माइन एंड साक्षी इज आल्सो हेल्पिंग मी अ लॉट इन गोइंग टू प्रमोट माय प्रोडक्ट. प्लीज कम एंड टेस्ट इट. थैंक यू सो मच. वेलकम मैम. सो गाइज वी आर वेरी लकी दैट वी आर हैविंग दैट फोन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो कि आज भी एक लाइव स्टोरी हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एंड उसके पहले आई गॉट समथिंग वेरी स्पेशल. जब मैं ये फोन्स ट्राई करने आई आई गेट टू नो कि ये ट्रुथ है कि उन्होंने पिछले 10 डेज से कुछ नहीं बनाया था. पिछले 3 डेज में ये रिस्पॉन्स आया है बिकॉज हंग्री क्लोन्स ने उनको प्रमोट किया एंड दे आर रेडी होके आ चुके हैं. लेट मी टेक अ रिट. क्रंची और चीजी भी अमेजिंग पैटिस चीजी. यू कैन सी हाउ मच सॉस दे हैव ड्रिंक. इट्स अमेजिंग एंड बेसिकली हम अपने दोनों पंच कंप्लीट कर चुके हैं एंड जैसे कि आपने उनकी स्टोरी सुनी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी एंड वो ज़्यादा दूर की बात तो थी नहीं, जस्ट 2 to 3 days बिफोर की बात थी. सो आप सब समझ सकते हैं आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट लेते हैं यू डोंट नो बट आई कैन एक्चुअली से कि उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और सारी चीज़ें फ्रेश थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारी चीज़ें वो अपने किचन में बनाते हैं सारी चीज़ें काफ़ी फ्रेश थी. सो यू कैन ट्राई दिस नागपुर गेस्टी कोन एंड उनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं लाइक चिली गार्लिक पेरी पेरी हरीसा चेटीनाड. सो प्लीज़ विजिट नागपुर गेस्टी कोन्स. थैंक यू. चलो बाय गाइस. हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ हेल्दी वीक. बाय बाय.